उत्तराखंड की बेटी भावना पांडे जी देश चला, वो उत्तराखंड चलाती है और हमें पता ही नहीं है, हम जागरूक ही नहीं है इस चीज़ के लिए। आपको कोई भी परेशानी होती तो भावना पांडे खड़ी हो सकती है, आपको ये नेता नहीं खड़े हो सकते, दिल्ली और देहरादून रहते हैं। और मैंने निकले भावना मैम के साथ तो बहुत अच्छा लग रहा है उनके साथ ये हरी भरी हरियाली तीज बनाते हुए। मुख्य अतिथि के रूप में भावना पांडे जी आई हैं, जिन्होंने महिलाओं को संवर्धन किया है, यहाँ पे आके महिलाओं के स्वरोजगार देने की बात भी की है, महिलाओं को जागरूक करने की बात की है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बताएं, हरियाली तीज महोत्सव के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन देहरादून रोड स्थित एक होटल में किया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनता कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भावना पांडे रही। आइए जानते हैं क्या कहा भावना पांडे ने। अतिथि भावना पांडे यहाँ पर पहुंची है, उनसे जानकारी लेंगे। मैडम, आज यहाँ पर महिलाओं के द्वारा यहाँ पर जो तीज महोत्सव कार्यक्रम रखा गया है, संदेश देना चाहेंगे महिलाओं को? बिल्कुल बिल्कुल, उत्तराखंड की हरिद्वार लोकसभा की सारी महिलाओं को कहना चाहती हूँ, अब समय आ गया है महिला का साथ देने का। आज आपको कोई भी परेशानी होती तो भावना पांडे खड़ी हो सकती है, आपको ये नेता नहीं खड़े हो सकते, दिल्ली और देहरादून रहते हैं। अब मैंने तो घर भी यही ले लिया है। और आज महिलाओं की देखिए, आपने देखा होगा सब्जी की परेशानी में सबसे पहले मंडी गई 8:30 बजे उठकर। आज बिजली की प्रॉब्लम होती सबसे पहले मैं खड़ी होती हूँ। आज थाने चौकी की प्रॉब्लम सबसे पहले मैं खड़ी होती हूँ। कहीं खेत सूख जाए सबसे पहले मैं खड़ी होती हूँ। अगर पुल टूट जाए सबसे पहले मैं जाती हूँ। तो कि हर किसी को क्या चाहिए, कि हर किसी को चाहिए कि भाई जो आदमी समय पे काम आए, वक्त काम आए। तो इसीलिए आज महिलाओं का समय आ गया। यही महिलाएं हैं जिन्होंने इस उत्तराखंड राज्य लेने के लिए अपनी इतनी मेहनत करी, उत्तराखंड राज्य महिलाओं को बदौलत मिला है। और आज मुझे पता है बचाने के लिए भी यही महिलाएं आएंगी, 100% महिलाएं आएंगी उत्तराखंड राज्य को बचाने के लिए। देख रहे हैं कार्यक्रम में जो पहुंची महिलाएं हैं, साफ तौर पे कह रही कि उत्तराखंड की ऐसी महिलाएं हैं जो कार्यक्रम में पहुंची है। बहुत से जिनको नहीं पता था आपके बारे में, उनकी महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जिनको नहीं मालूम है, सभी से कहना चाहती हूँ, अभी तो मुझे आए हुए इस हरिद्वार में 3 महीने हुए, मैंने मकान खरीद लिया, आप लोगों के बीच में हूँ। और अब ऐसे ऐसे गैदरिंग होती रहेगी, धीरे धीरे बढ़ेगा और लोगों को पता चलेगा, लोग बुला रहे हैं, मैं जा रही हूँ तो एक दूसरे का इंट्रोडक्शन हो रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा अभी मैं खुद एक गैदरिंग करूँगी, बहुत बड़ी महिलाओं को बुलाऊंगी। अभी तो मैं इनके प्रोग्राम में आ रही हूँ, अब मैं बहुत जल्दी या तो छोटी दिवाली के दिन और या मैं ऑफिस के उद्घाटन के दिन बुलाऊंगी सारी महिलाओं को। महिलाओं को लेकर क्या कहेंगे हरियाली तीज पूरे देश में? त्यौहार को लेकर मैं कहूँगी सभी लोगों को, उत्तराखंड के या देश के सभी महिलाओं को हरियाली तीज की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ में चाहती हूँ कि हर वर्ष इसी तरह महिलाओं के अंदर हर वर्ष हर त्यौहार को हम लोग को एक साथ मिलकर इंजॉय करना चाहिए, इससे प्रेम बढ़ता है और इससे संस्कृति बढ़ती है। और सारी महिलाओं को मैं आपके माध्यम से कहूँ, जो आप लोग के 30 त्यौहार होते हैं, चाहे 20 महिलाएं हो, चाहे 10 महिलाएं, चाहे 50 हो, सो सब मिलजुल के मनाना चाहिए। हरियाली तीज का कार्यक्रम किया, क्या कहना चाहेंगे? आज हमारे हरियाली तीज के कार्यक्रम में बहुत सी महिलाओं ने यहाँ पे आके हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। और ये तीज हमेशा हमारी संस्था करती आ रही है और हमारी संस्था के माध्यम से ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं। और आज हमारे तीज में मुख्य अतिथि के रूप में भावना पांडे जी आई हैं, जिन्होंने महिलाओं को संवर्धन किया है, यहाँ पे आके महिलाओं के स्वरोजगार देने की बात भी की है, महिलाओं को जागरूक करने की बात की है। और महिलाओं ने तीज के महोत्सव में बहुत इंजॉय किया है, काफ़ी अच्छे अच्छे गानों पर सब डांस किया है और अच्छा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अभी हम महिलाओं को उनका प्राइज भी देंगे और सबको सम्मानित करके भी हमारा कार्यक्रम अभी चल रहा है और ऐसे ही हम आगे संस्था हमारी ऐसे ही कार्यक्रम करती रहेगी। मैं आज से हरियाली तीज मार के मुझे बहुत अच्छा लगा और आज पता चला है कि हम घर में ही चूल्हा चौका नहीं कर सकते हैं, हम लेडीज बाहर भी नहीं चल सकते हैं। जैसे हमारे उत्तराखंड की बेटी भावना पांडे जी देश चला, वो उत्तराखंड चलाती है और हमें पता ही नहीं है, हम जागरूक ही नहीं है इस चीज़ के लिए। तो हमें भी पता, आजकल हमें लग चुका है कि हमें घर में नहीं, हमें बाहर नहीं करना चाहिए। जब सब कुछ एक औरत के हाथ में आने वाला तो हम पीछे क्यों हटे, हमें बाहर नहीं, और हमें गर्व है कि हम हिंदुस्तान की लड़की है। हरियाली तीज आज देखो, एक तो लेडीज का त्यौहार है, ऊपर से हम लोग यहाँ पर आए हैं होटल में ये फेस्टिवल मनाने के लिए भावना मैम के साथ, तो बहुत अच्छा लग रहा है उनके साथ ये हरी भरी हरियाली तीज बनाते हुए, बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। सारी लेडीज जितनी भी है इंजॉय कर रही हैं और क्या बोलते हैं, मैम भी बहुत खुश हैं। और एक उत्तराखंड से हम लोग जो भी हैं क्या बोलते हैं यहाँ पर आए हैं, उत्तराखंड का ये त्यौहार नहीं है पर एक तरीके से जो भी हमें उन्होंने मोटिवेट किया है, बहुत अच्छा लग रहा है हमें उनके साथ ये फेस्टिवल मनाते हुए।